नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ और वशी संगी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 10th of November 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आज के हमारे सेशन में जो कि रहेगा 10th November पर जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड जो टॉपिक या हेडलाइंस हम यहाँ पर इस सेशन में पढ़ने वाले हैं वो रहेगी, जैसे कुछ उत्तराखंड की गौरव सम्मान के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों इस सेशन में, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट के बारे में इंडिया का क्या रोल है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे यहाँ पर बनाया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों पुष्कर फेयर, ठीक है, पुष्कर फेयर जो 8 दिन तक चलता है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर होती है, कौन से स्टेट में मनाया जाता है, सारी बातें हम करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स के बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन लेंगे। तो पूरे सेशन का ओवरव्यू दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोग को एक दे दिया है, एक पूरा यहाँ पर आप लोग को समराइज भी मैं बता दिया कि इस सेशन में आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक बात मैं आप लोग को बता दूँ दोस्तों, आप लोग की जो भी गवर्नमेंट एग्जाम या बैंक एग्जाम की जो भी आप प्रेपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्रिस्प नोट्स और डिटेल्ड नोट्स आपको इसी वीडियो के थ्रू और समझाए भी जाएंगे और मिलेंगे भी, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जो भी बैंक एग्जाम 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए सेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, आप लोग हमारे ऑफिशियल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिस पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, टॉप MCQs, 100,000+ ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सारी चीजें एक अंडर द वन रूफ मिल जाएगी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए अपनी प्रेपरेशंस को और मजबूत बना लीजिए स्टडी एनी टाइम एनी वेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन की पहली न्यूज आपके साथ और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, ये रही दोस्तों आज की पहली न्यूज हमारे सामने आ चुकी है। और पहली न्यूज हमें क्या बताती है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, सिर्फ न्यूज ही नहीं, यहाँ पर इस न्यूज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उसकी बात भी हम करेंगे, ठीक है। तो एंड तक जरूर इस सेशन पर बने रहिएगा, कोई भी दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। द उत्तराखंड गवर्नमेंट अनाउंस दैट दिस ईयर उत्तराखंड गौरव सम्मान वुड बी गिवन टू नासाज NSA योर अजीत दोवल एंड पोएट प्रसून जोशी। दोस्तों तो उत्तराखंड गौरव सम्मान यहाँ पर दो रिसिप्टेंट इसके दोस्तों क्या किए गए हैं, घोषित किए गए हैं NSA अजीत दोवल और पोएट जो है बहुत मशहूर प्रसून जोशी, इनके बारे में हम पूरी बात करेंगे। पहले हम इस सम्मान के बारे में दोस्तों कुछ पढ़ते हैं। तो द उत्तराखंड गवर्नमेंट अनाउंस दैट दिस ईयर उत्तराखंड गौरव सम्मान वुड बी गिवन टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल एंड पोएट प्रसून जोशी and three other individuals of their notable achievements. On November 9th, the recipient will be honored with the Uttarakhand Gaurav Samman. Every year, the government of Uttarakhand honors individual with the Uttarakhand Gaurav Samman in recognition on their accomplishment in their various disciplines. So basically, दोस्तों उत्तराखंड सरकार जो है अपने उत्तराखंड गौरव सम्मान से लोगों को यहाँ पर क्या करती है दोस्तों, honor करती है उन ऐसे इंडिविजुअल्स को जिन्होंने अपने डिसिप्लिन में, अपने फील्ड में कुछ अच्छा यहाँ पर एकम्प्लिश किया होता है, कुछ रिकग्नाइजेशन यहाँ पर बनाई होती है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोवल जी का नाम, प्रसून जोशी का नाम यहाँ पर बाहर निकल कर आया है। साथ ही साथ दोस्तों मुझे यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहिए कि किस किस वजह से यहाँ पर इन दोनों को ये अवार्ड के लिए चुना गया है। तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे, तो मैं सबसे पहले आप लोग को बताऊँ कि यहाँ पर अजीत दोवल जी की बात अगर मैं करूं, ठीक है, अजीत दोवल जी को ये प्राइज दिया गया है,
ठीक है। और इन्हीं के साथ साथ बिपिन रावत को भी दोस्तों ये प्राइज यहाँ पर दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर गिरीश चंद्र तिवारी और वीरेन गंगवाल, ठीक है, वीरेन डंगवाल भी यहाँ पर शामिल रहेंगे। दोस्तों अजीत डोवल की बात करो तो अजीत डोवल कौन थे, तो अजीत डोवल का सर बैकग्राउंड हम यहाँ पर जानेंगे। तो फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आईपीएस कैडर है इनका यहाँ पर, और इनका जन्म हुआ था 20 जनवरी 1945 में। साथ ही साथ दोस्तों ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट पर हाईएस्ट लेवल पर भी ऑपरेट कर चुके हैं, ठीक है। तो अजीत डोवल की यहाँ पर बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और साथ ही साथ अगर मैं प्रसून जोशी की बात करूँ तो प्रसून जोशी बहुत ही फेमस दोस्तों यहाँ पर पोएट है। साथ ही साथ इन्होंने फिल्म्स लाइक आपने देखी होगी रंग दे बसंती फिल्म, अगर आपने देखी होगी तारे जमीन पर देखी होगी, ठीक है, डेली सिक्स, भाग मिल्खा भाग, फना, ये सारी मूवीज के ये राइटर दोस्तों यहाँ पर रह चुके हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इन्होंने जो लिरिक्स हैं जैसे डेटॉल स्वच्छ भारत या फिर टाटा जागृति एंथम, पोषण एंथम, ये सब आपकी प्रसून जोशी ने ही दोस्तों क्या की है, राइट डाउन की है। साथ ही साथ दोस्तों इनके साथ साथ बहुत फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर हैं एनडी के तिवारी, इन्वायरमेंटलिस्ट अनिल प्रकाश जोशी, ये भी राइटर हैं। रस्किन बॉन्ड हो गए आपको पता है, नरेंद्र सिंह नेगी हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें जिनके साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं प्रसून जोशी, राइट। तो काफी अच्छा बैकग्राउंड दोनों का यहाँ पर रह चुका है। और यहाँ पर उत्तराखंड की गवर्नमेंट इन्हें सम्मान करना चाहती है, उत्तराखंड आपका गौरव सम्मान से, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर बन सकता है। सारी बैकग्राउंड वगैरह सारा चेक मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दिया, और ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी को भी, जनरल बिपिन रावत जी को भी सम्मान किया जा रहा है सेम ऑनर से, सेम अवार्ड से, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे इसमें। अच्छा, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ उत्तराखंड की बात करूँ तो डेफिनेटली उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे आपके पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। कैपिटल हो जाएगी देहरादून, ठीक है, कैपिटल क्या हो जाएगी उत्तराखंड की, देहरादून। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन हो जाएंगे, जनरल मनोज पांडे, ठीक है, जनरल मनोज पांडे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। स्टैटिस्टिक अवेयरनेस न्यूज भी बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहती है। हालांकि जनरल बिपिन रावत का दोस्तों यहाँ पर देहांत हो चुका है, तो पोस्थमसली इनको अवार्ड दिया जाएगा यहाँ पर, और उनकी वाइफ शायद ये अवार्ड यहाँ पर ग्रांट करें, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये भी मैंने आप लोग को बता दिया कि डेथ होने की वजह से पोस्थमसली अवार्ड वहां पर दिया जाएगा किसको, जनरल बिपिन रावत को, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे पूछ लेते हैं कि मैम कैसे होगा, तो फिर क्या होता है जब भी कोई ऐसे वीरगति को प्राप्त होता है दोस्तों तो उनकी फैमिली मेंबर को दिया जाता है, ठीक है, ये आपको पता है वैसे भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट अनाउंस दैट दिस ईयर्स उत्तराखंड गौरव सम्मान वुड बी गिवन टू, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग के सामने हो जाएंगे और करेक्ट हो जाएगा कि आपका बोथ ए एंड बी दैट इज अजीत डोवल एंड प्रसून जोशी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज के ऊपर जो कि हमारी न्यूज नंबर टू। और न्यूज नंबर टू यहाँ पर हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। तो गुयाना प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली विल बी चीफ गेस्ट ऑन 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशन, राइट। तो गुयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन एंड इट विल बी हेल्ड फ्रॉम 8 to 10 जनवरी नेक्स्ट ईयर इन इंदौर मध्य प्रदेश। द थीम ऑफ 17th प्रवासी भारतीय दिवस इज डिस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल। दोस्तों ये थीम आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, मच रेलिवेंट हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो 17th प्रवासी भारतीय दिवस जो इसका कन्वेंशन है ये होगा अगले साल 8 से लेकर 10 जनवरी तक, ठीक है, इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, ठीक है। और इस प्रवासी भारतीय दिवस का जो आपका थीम रहेगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं, मोहम्मद जो यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद इरफान अली, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, उनकी यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड दोस्तों डेफिनेटली आपको मैं कुछ बताऊं तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ सिंपल है कि क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट पूछा जाएगा इसमें से। और क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, इस एडिशन पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि 2023 में 8 से लेकर 10 जनवरी तक जो कन्वेंशन यहाँ पर होने वाला ऐसा है प्रवासी दिवस का, भारतीय दिवस का, तो ये कौन सा एडिशन रहेगा, तो 17वां एडिशन यहाँ पर रहेगा 17th, ठीक
ठीक है, एडिशन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, एक फ्लैगशिप इवेंट है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसके साथ जुड़ती है दोस्तों। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के निगरानी में दोस्तों ये क्या होता है, आपका ये इवेंट हेल्ड होता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है दोस्तों, तो ये भी आपको इधर याद रखेगा। ठीक है, चलिए न्यूज नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं। न्यूज नंबर 3 हमें यहाँ पर क्या बोलता है ये देखेंगे। तो इंडिया टू टेक पार्ट इन वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट स्टार्टिंग इन लंदन। तो वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपोज द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 विल हैव इंडिया एज पार्टिसिपेंट टुडे इन लंदन। द फ्यूचर ऑफ द ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ इज द एग्जीबिशन थीम फॉर दिस ईयर। दोस्तों थीम यहाँ पर है, ठीक है, थीम जहां पर होगी वो मच 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 इंपॉर्टेंट होगी, हमेशा मैंने आपको बताया है। तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की थीम क्या है, ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ, राइट, तो ये ध्यान रखना। इंडिया इज टेकिंग पार्ट इन द WTM 2022 टू प्रमोट इटसेल्फ एज अ टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू द टूरिज्म मिनिस्ट्री। अ टोटल ऑफ 16 स्टेक होल्डर्स आर टेकिंग पार्ट एज को एग्जिबिटर्स इन इंडिया पेविलियन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 3-day इवेंट, इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड टूर ऑपरेटर्स अमंग अदर्स, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इस वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में इंडिया कहीं ना कहीं ये बात उनको कहना चाहता है कि इंडिया भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस कंट्री में से एक है, या फिर टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन में से एक है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इसमें कई 3 दिन का ये पूरा प्रोग्राम है, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और टूर ऑपरेटर्स इसमें शामिल है दोस्तों, इस पूरे टूर में। ठीक है, पूरी की अगर मैं बात करूँ इवेंट में तो उसकी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इंडिया की और ट्रैवलिज्म के बारे में कुछ बताऊँ तो डेफिनेटली कुछ बातें आती हैं यहाँ पर। इंडिया का जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट है, मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, इंडिया का जो ट्रैवल एंड टूर डिपार्टमेंट है वो कम से कम जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो दोस्तों गलत नहीं होगा तो 5.19% तक कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और कम से कम 80 मिलियन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट किया है ट्रैवल टूरिज्म ने। ठीक है, जो कि इंडिया की बात हमने करी है। हालांकि जो प्री पैंडेमिक लेवल्स थे COVID-19 से पहले काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन उसके बाद भी अब एफर्ट्स देने के बाद कोविड पोस्ट कोविड एफर्ट पोस्ट कोविड भी अब चीज़ें अब संभल रही हैं, वापस से ट्रैवलिज्म शुरू हो रहा है, आपको पता है लोग घूमना अब शुरू कर रहे हैं। हालांकि मास्क वास्क सब हटा दिए गए हैं, अब इतना कोरोना खतरा में नहीं है वैक्सीनेट होने के बाद, तो यहाँ पर ट्रैवल एंड टूर में वापस से तेजी दोस्तों देखने को मिली है। पहले जितने भी एविएशन सेक्टर थे या ट्रैवलिंग सेक्टर थे वो सब बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, डाउन में चले गए थे बिकॉज ऑफ द कोरोना, क्योंकि कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, हर जगह थोड़ा लॉकडाउन वगैरह चल रहा था तो उस हिसाब को लेकर। ठीक है, तो अब वापस से इसने तेजी पकड़ी है दोस्तों सेक्टर ने, और आज ये वापस से क्या आ गया, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में इंडिया अपना जगह जमाने यहाँ पर खड़ा हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वॉट इज द थीम ऑफ बिगेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड ट्रैवल एक्सपोज वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022। तो करेक्ट आपको पता है आंसर क्या होगा, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पूरे वीडियो में हमें यही हमारा मोटिव रहता है कि किस तरीके से आपकी जो न्यूज है, जो आपकी डेली करंट अफेयर्स की न्यूज आती है, उसमें से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, सोच सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, और जिससे आपको ये पता चले कि कौन से बुलेट पॉइंट्स आपको बनाने हैं तब जब आपके एग्जाम में आप रिविजन करने बैठोगे। राइट, जब आप रिविजन करेंगे तो डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपके बनाए गए बुलेट पॉइंट्स ही आपके काम आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारी न्यूज नंबर 4 के ऊपर। तो एवरी ईयर ऑन November 8 वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज ऑब्जर्व टू ऑनर द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेडिएशन। अगर मैं इसे एक्सरे भी बोलूँ तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एवरी ईयर ऑन November 8 वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज ऑब्जर्व टू ऑनर द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेडिएशन ऑल्सो नोन एज एक्स रेज। दिस डे इन 1895 सॉ द कंप्लीशन ऑफ जर्मन साइंटिस्ट विलहेलम कॉनराड रॉन्टन डिस्कवरीज ऑफ एक्स रेडिएशन और एक्स रेज। फॉर दिस एक्लिप्स ही वॉज अवॉर्डेड फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1901।
ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि 8 नवंबर को हम वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, एक्सरे का डिस्कवरी हुआ था। अब रही बात थीम की, तो थीम क्या हो जाएगी, रेडियोग्राफर्स एट द फोरफ्रंट ऑफ द पेशेंट सेफ्टी, राइट, रेडियोग्राफर्स एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, जब भी कोई ऐसी चीज आप पढ़ रहे हैं, ऐसी न्यूज पढ़ रहे हैं दोस्तों जिसमें थीम दी गई है, मेक श्योर कि आप उसे नोट डाउन कर ले, क्योंकि थीम पर से क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। इससे रिलेटेड आपका क्या यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आप लोग को बता दूं, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखना कि एक्स रेडिएशन मतलब क्या, एक्स रे हो गए जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज ऑब्जर्व टू ऑनर द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेडिएशन ऑन डैश, करेक्ट विल बी योर November 8, ठीक है। तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट न्यूज, दैट इज नंबर 5 पर, और 5वें नंबर पर यहाँ पर क्या हमारे पास न्यूज है उसको लेकर हम बात करेंगे आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूज है कि विराट कोहली और निदा दार नेम्ड एज ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर October 2022। दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है विनर ऑफ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर October 2022। इंडिया वेतरन बैटर विराट कोहली बीन नेम्ड एज ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर October। मीनवाइल पाकिस्तान वेतरन ऑलराउंडर निदा दार हैज बीन सेलेक्टेड एज ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ थैंक्स टू द टू हर सेंसेशनल फॉर्म ऑफ वुमेन्स एशिया कप। बोथ कोहली एंड दार वर इलेक्टेड विनर्स फॉलोइंग अ ग्लोबल वोट कंडक्टेड अमंग मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है कि मेंस की अगर मैं बात करूँ तो हमारे चहीते और बहुत ही जाने माने बैटर विराट कोहली, और वहीं अगर मैं विमेन्स की बात करूँ तो ऑलराउंडर पाकिस्तान की निदा दार, ठीक है। ये क्या बने हैं दोस्तों आप लोगों के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द October 2022, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों को डेफिनेटली क्या करना चाहिए, इसके बारे में और खबर देनी चाहिए। तो सबसे पहले ICC की अगर मैं बात करूं तो ICC का दोस्तों फाउंडेशन ईयर क्या हो जाएगा, 1909, ठीक है। चेयरमैन कौन है इसके आज के डेट में, तो ग्रेग ब्रैकले, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है, दुबई में दोस्तों, जो कि UAE में है, ठीक है, तो ये आपको पता है यहाँ पर। साथ ही साथ प्रीवियस मंथ में, ठीक है, प्रीवियस मंथ में दोस्तों कौन यहाँ पर रह चुके हैं, तो मेंस कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ, मेंस कैटेगरी में अगर मैं जनवरी 2000 से दोस्तों 2022 की अगर मैं बात करूँ तो आते हैं कीगन पीटरसन, ठीक है, कीगन पीटरसन साउथ अफ्रीका के। वहीं अगर मैं फरवरी 2000 की बात 2022 की बात करूँ दोस्तों तो श्रेयस अय्यर वापस से ICC मेंस मैन ऑफ द बेसिकली ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे फरवरी 2022 के लिए इंडिया से, श्रेयस अय्यर। फिर मार्च में दोस्तों आपके बने थे कौन, बाबर अजम, ठीक है, बाबर अजम जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं। फिर अप्रैल में दोस्तों कौन बने थे, अप्रैल में बने थे आपके केशव महाराज, ठीक है, केशव महाराज साउथ अफ्रीका से, ठीक है। अगर वहीं मैं मई की बात करूँ दोस्तों तो मई में बने थे एंग्लियो मैथ्यूज, दैट इज श्रीलंका, राइट। उसके बाद अगर मैं जून की बात करूं तो जून में जॉनी बेस्टो इंग्लैंड के लिए, ठीक है। जुलाई की अगर मैं बात करूं तो प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के लिए, अगस्त की अगर मैं बात करूं तो सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के लिए, और सितंबर में अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के लिए, और अक्टूबर में दोस्तों आपको पता है विराट कोहली, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, ये आप लोग को इधर याद करना है क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। वहीं अगर मैं विमेन्स की दोस्तों बात करूँ तो विमेन्स में जनवरी में यहाँ पर आपके साथ कौन थी, हीथर नाइट इंग्लैंड से। फरवरी की अगर मैं बात करूँ तो एमिलिया कैर न्यूजीलैंड से, ठीक है। मार्च की अगर मैं बात करूँ तो रेचल हैनेस ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अप्रैल की अगर मैं बात करूँ तो एल्सा हेली ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। उसके बाद मई में अगर मैं बात करूँ तो तौबा हसन पाकिस्तान से। उसी के बाद मैं जून की बात करूँ तो मैरिजने कैप साउथ अफ्रीका से। जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो एमा लैम इंग्लैंड से, ठीक है। अगस्त की बात करूँ तो ताहिला मैकग्रेथ ऑस्ट्रेलिया से, और सितंबर की बात करूँ तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए हमनप्रीत कौर इंडिया से, ठीक है। और अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया निदा दार पाकिस्तान से, राइट। तो ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आजकल दोस्तों क्या होता है, हमें सिर्फ करंट डेली न्यूज के सिवाय हमें स्टैटिस्टिक्स पर भी ध्यान देने पड़ते हैं क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट
रहता है। स्पोर्ट्स के तहत आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, अदरवाइज आप CWG 2022 को डेफिनेटली फोकस करें, दैट इज कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, सॉरी इसका क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है। तो नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अक्टूबर 2022। ऋषभ पंत, विराट कोहली, KL राहुल, शिखर धवन। करेक्ट विल बी विराट कोहली, राइट। नेक्स्ट शब्द, नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर हमारे पास आ चुके नंबर सिक्स पर, और नंबर सिक्स पर हमारे पास न्यूज यहाँ पर क्या आ जाती है दोस्तों, उसके बारे में हम पूरी बात आप लोगों से यहाँ पर करेंगे। तो एवरी ईयर नवंबर 7 इज सेलिब्रेटेड एज इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। तो नवंबर 7 एवरी ईयर इन्फेंट प्रोटेक्शन डे को सेलिब्रेट करता है, एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड विद द सोल पर्पस ऑफ रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी ऑफ न्यूबॉर्न लाइव्स एंड गिविंग देम प्रॉपर केयर। The day has been set to discuss how to best safeguard and nurture young children at one of their most important and vulnerable development stages, right? तो छोटे बच्चे, नवजात शिशु, ठीक है, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, उन बच्चों की कैसे प्रोटेक्शन की जाए इस बात को मद्देनजर रखते हुए 7 नवंबर को ये दिवस दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हैव रिड्यूस्ड टू 37 per 1,000 लाइव बर्थ इन 2015 एंड 30 per 1,000 लाइव बर्थ इन 2019 एट नेशनल लेवल। तो इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, और सबसे बढ़िया बात कि थीम नहीं है, तो थीम आपको याद नहीं करनी। इस पर क्वेश्चन दोस्तों किस टाइप से आपका बन सकता है ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो क्वेश्चन जैसे एवरी ईयर डैश इज सेलिब्रेटेड एज इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, करेक्ट हो जाएगा क्या, नवंबर 7। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 7th नंबर की न्यूज के ऊपर, और 7th नंबर की न्यूज हमें यहाँ पर क्या बोलती है देखते हैं। आधार मित्रा, अ न्यू चैटबॉट लॉन्च्ड बाय UIDAI। दोस्तों यहाँ पर एक चैटबॉट बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, लॉन्च किया गया है UIDAI के द्वारा, जो हमारा आधार कार्ड के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, राइट, इसका फुल फॉर्म पहले आप ध्यान रखेंगे, प्रेजेंटेड द ब्रांड न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML चैटबॉट आधार मित्रा इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सिटीजन्स यूजिंग फॉर द सर्विसेज। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर अवेलेबल फॉर द चैटबॉट फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग व्यूअर्स, इज ऑल्सो ऑफर्स द ऑप्शन ऑफ व्यूइंग रिलेटेड वीडियोज ऑन स्पेसिफिक थीम्स। फीचर्स ऑफ द न्यू चैटबॉट दैट इज आधार मित्र इंक्लूड द कैपेसिटी टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ आधार PVC कार्ड्स एंड कन्फर्म आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। The bot can use by locals to file complaints and follow up on that. The organization is committed to strengthening the grievance redressal mechanism while also providing ease of life, right? दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि जितनी भी government organization या संस्थाएं, उनमें से जो grievance redressal होता है, मतलब लोगों की शिकायतें दर्ज करने का, complaints दर्ज करने का और उन पर action लेने का जो success ratio है, सबसे ज्यादा UIDAI के पास है, right? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। UIDAI जो है दोस्तों पूरी तरीके से आधार कार्ड को यहाँ पे मैनेज कर रहा है, चाहे बाल आधार कार्ड हो या फिर हमारा जैसे जो यंगस्टर्स का आधार कार्ड हो, जो बनता है नॉर्मल आधार कार्ड, उसके रिलेटेड यहाँ पर काम करता है, राइट, आपको पता है। और यहाँ पर एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करने की बातें यहाँ पर की गई है, ठीक है। जितने भी ईमेल है, फोन कॉल है, चैटबॉट है, वेब पोर्टल है, सोशल मीडिया, लेटर, वॉक इन है, जो भी है, इन सभी पर बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो UIDAI है। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। बेसिकली आप हमारे इंडिया में आधार कार्ड रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं या फिर कोई भी ग्रीवियंस है, उन सभी की जो ऊपर बॉडी यहाँ पर आधारित है या फिर मैं बोलूँ कि रिस्पॉन्सिबल है, तो वो UIDAI है, जिसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, डैश प्रेजेंटेड द ब्रांड न्यू AIML चैटबॉट आधार मित्रा इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सिटीजन्स यूजेज ऑफ द सर्विसेज। तो करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार मित्रा, जहां आधार का नाम वहां UIDAI, ये आपको ध्यान रखना है। RBI क्या है दोस्तों, सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, और IRDAI क्या है आपका, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। इन सभी के काम अलग अलग है, लेकिन आधार से रिलेटेड काम आपका हमेशा UIDAI ही यहां पर देखेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8
से पहले हम उसकी न्यूज पढ़ेंगे, राइट? तो इंडियन बैटर सूर्य कुमार यादव बिकम्स द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 रन्स. स्टार इंडियन बैटर सूर्य कुमार यादव हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 प्लस T20 इंटरनेशनल रन्स इन अ कैलेंडर ईयर. द बैटर अकम्प्लिश्ड दिस फीट इन हिज साइड्स फाइनल सुपर 12 स्टेज मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया. इन दिस मैच सूर्य कुमार पुट हिज परफेक्ट फिनिशिंग टचेस टू मेक श्योर इंडिया फिनिश देयर इनिंग्स ऑन अ हाई, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोस्तों सूर्य कुमार यादव पहले ऐसे इंडियन प्लेयर हुए हैं जिन्होंने T20 में 1000 रन क्या किए हैं दोस्तों, कंप्लीट किए हैं, स्कोर किए हैं, ठीक है? इंडियन बैटर. इस पर इनकी फोटो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं. ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है दोस्तों स्पोर्ट्स के माध्यम पर. ये आपको इधर ध्यान रखना है. इनसे रिलेटेड अगर मैं आप लोगों को और बातें अगर बताऊं तो सूर्य कुमार ने अब रिसेंटली एलीट लिस्ट बैटर्स को ज्वाइन कर लिया है. यहाँ पर जैसे मोहम्मद रिजवान भी है जिन्होंने 1000 रन कंप्लीट किए हैं पाकिस्तान की T20 रन्स की अगर मैं बात करूं. और इन्होंने डेब्यू किया था अपना दोस्तों बेसिकली इंग्लैंड के सामने यहाँ पर. ये भी आपको इधर ध्यान रखना है. वैसे तो डायरेक्ट लिंक के क्वेश्चन नाम पर बन जाएगा, ठीक है? जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं इंडियन बैटर बिकम्स द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 रन, दैट इज सूर्य कुमार यादव, राइट? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ. रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर इन टॉप 20 वर्ल्ड वाइड. अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स वर्ल्ड फाइनेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022, इंडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज द नेशंस लार्जेस्ट कॉरपोरेशन बाय रेवेन्यूज प्रॉफिट एंड मार्केट वैल्यू इज इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर एंड 20th बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर ग्लोबली. ऑयल टू टेलीकॉम टू रिटेल कॉग्लोमरेट रिलायंस विद 2,30,000 employees and ranked 20th of the highest ranked Indian firm. इस रिलायंस की रैंक दोस्तों बिलीव करेंगे कोका कोला, जापानीज ऑटो जॉइंट्स होंडा, यामा, सऊदी अरामको और आपका मर्सिडीज बेंज से भी ऊपर है. तो ये बहुत एक गर्व की बात है यहाँ पर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों पूरे वर्ल्ड में 20th बेस्ट एम्प्लॉयर या फिर मैं अगर बात करूं मार्केट वैल्यू पर कोई कंपनी है तो रिलायंस, राइट? इस पर क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, दैट डैश इज इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर एंड 20th बेस्ट कंपनी टू वर्क ग्लोबली, दैट इज योर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट? यह आपको इधर क्या करना है ध्यान रखना, डायरेक्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन दोस्तों बनाएगा. इससे रिलेटेड और कुछ बात यहाँ पर आपको जाननी नहीं. वैसे तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत बार आपसे बात कर ली है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली मुझे अगर बताना चाहिए, HDFC बैंक है 137th पोजिशन पर यहाँ पर है. आदित्य बिरला ग्रुप 240th पोजिशन पर है, ठीक है? YCC बैंक 365th पोजिशन पर है दोस्तों. अदानी एंटरप्राइजेस 547th ग्रुप पर है. इन्फोसिस 668 यहाँ पर है. लेकिन अगर टॉप की अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, IBM आ जाता है, अल्फाबेट आ जाता है और एप्पल आ जाता है. ये सबसे बेस्ट है. उसके बाद कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद जो मैंने आपको नाम पहले बताया वो सब कुछ, ठीक है? तो बेस्ट में अगर काम करना है तो साउथ कोरिया की जाइंट कंपनी सैमसंग आपको पता है, फॉलोड बाई US के जाइंट्स है माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फाबेट एंड एप्पल, राइट? नेक्स्ट चलता दोस्तों लास्ट हमारा यहाँ पर न्यूज रहेगा आप लोगों के साथ इस सेशन का. तो राजस्थान टू होस्ट आइकॉनिक 8-डे लॉन्ग पुष्कर फेयर. दोस्तों पुष्कर फेयर बहुत आपने सुना होगा पुष्कर मेले के बारे में. 8 दिन तक ये पुष्कर फेयर चलता है राजस्थान के अजमेर इलाके में दोस्तों. तो दिस ईयर पुष्कर फेयर इज बीइंग होस्टेड बाय राजस्थान फ्रॉम 1st November टू 9th November. पुष्कर फेयर ऑल्सो नोन एज पुष्कर कैमल फेयर, कार्तिक मेला और कार्तिक का मेला, ठीक है? तो इस बेसिकली इस फेयर में ये कैटल फेयर आप बोल सकते हैं ड्यू टू स्प्रेड ऑफ लंपी स्किन डिजीज इन लाइव स्टॉक. बेसिकली क्या हो रहा है कि लंपी फैली हुई है राजस्थान में, जो लंपी फैली हुई है आपको पता है डिजीज है कैटल में, जो डिजीज फैली हुई है उसके कारण ये कैटल फेयर इस बार नहीं कराया गया. लेकिन इस बार कैटल का यूज यहाँ पर नहीं हुआ. बेसिकली पुष्कर फेयर कैटल्स के लिए ही फेमस होता है, जैसे ऊंट हो गए, हाथी हो गए, ये सब गाय वगैरह हो गई, ठीक है? तो इस बार क्योंकि लंपी फैला हुआ है तो इस बार विदाउट प्रॉपर पॉपुलर कैटल ये नहीं चला है इस वी फेयर में, लेकिन फिर भी ये मनाया गया है. तो कैसे, एवरी ईयर द कैटल फेयर इज यूज टू बी हाईलाइट द फेयर एंड फार्मर्स ऑल अक्रॉस द स्टेट गैदर एट दिस फेयर टू ट्रेड लाइव स्टॉक सच एज कैटल, कैमल्स एंड हॉर्सेस. दिस पीरियड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सीजन फॉर द पिलग्रिमेज होली पुष्कर लेक पिलग्रिम्स एंड ऑल ओवर द कंट्री ट्रेवल पुष्कर पिलग्रिमेज. बेसिकली दोस्तों ब्रह्मा मंदिर पूरे विश्व में एक ही ब्रह्मा मंदिर है पुष्कर में,
ठीक है, तो ये चीज साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर दिस ईयर स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज इनवाइटेड टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द फेयर अंडर द एजिस ऑफ पुष्कर चलो अभियान। सेवरल कल्चर इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशन विल टेक प्लेस ड्यूरिंग पुष्कर फेयर फेस्टिविटीज एंड कैमल रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स ऑफ पुष्कर फेस्टिवल 2022, राइट। तो बहुत सुंदर होता है, आप इसकी फोटो एक बार देखिए, यहाँ पर इस तरीके से सुंदर सुंदर सजाए जाते हैं दोस्तों कैमल्स को, बहुत सारे झूले लगते हैं और 8 दिन तक बहुत सारे नृत्य डांसेस कर जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ डांसेस किए जाते हैं, गाने वाने फोक सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर रहता है। काफी सुंदर मेला यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है, कार्तिक मेला जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कैसे बन जाएगा, डैश टू होस्ट आइकॉनिक 8 डे लॉन्ग पुष्कर फेयर, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, करेक्ट विल बी राजस्थान, राइट। तो दोस्तों ये था पूरा आपका टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्यों आप लोग के मन में क्वेश्चन तो क्यों अविजन के साथ जुड़े, ताकि यहाँ पर आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, रिविजन पॉइंट्स मिलते हैं, डेली करंट अफेयर्स के शोज मिलते हैं, वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे, क्रिस्प नोट्स मिलेंगे और फेस टू फेस डिस्कशन मिलेगा रिस्पेक्टिव फैकल्टीज के साथ। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.avision.co.in पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं और अपनी आपको एनरोल करवा सकते हैं विदाउट एनी हसल, राइट। साथ ही साथ आप लोग मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर इन वीडियोस की लिंक और पीडीएफ आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वहां पर डेली हम एमसीक्यूज भी अपलोड करते हैं ताकि आप उसकी हेल्प से प्रैक्टिस करें और आपके जो एग्जाम्स हैं उसको आप लोग अच्छे से क्रैक कर पाएं, ठीक है। आपको हेल्प मिल सके, आपको एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि डेली आपको हमारे करेंट अफेयर शोज मिलते रहेंगे विद एमसीक्यूज विद डिटेल, तो उसकी डायरेक्ट जितनी भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तब तक के लिए दोस्तों अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।